Hello everyone, welcome to Indore Defense Academy. We are continuing our series of questioning and answering of the geography in the name of Batch name Udaan. So, let's begin our first question. Our first question says Murra is a breed of. Breed is very important. Breed jaise a cow, cow buffaloes, goat, these are various kinds of breeds. सो द क्वेश्चन इज मुर्रा इज अ ब्रीड ऑफ pig, buffalo, शीप या गोट हमारा आंसर क्या है buffalo. buffalo की बहुत सारी ब्रीड होती है ठीक है उसकी एक ब्रीड है मुर्रा रिमेंबर दिस एक आप लोगों ने अगर जमुना परी का नाम सुना हो जमुना परी जमुना परी इज द ब्रीड ऑफ गोट ठीक है रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट सीक्वेंस क्रॉप रोटेशन विद्यू टूंगी देखिए हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक क्रॉप को सो किया एंड द नेक्स्ट पर्टिकुलर टाइम वी सो अन सॉइल ठीक है क्रॉप दैट इज वॉट अ क्रॉप रोटेशन एंड वी आर रोटेटिंग द क्रॉप इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी एंड द प्रोडक्शन लेवल ठीक है तो so, इसमें आंसर क्या हमारे ऑप्शन क्या है वीट पटेटोले पी पटैटो वीट पी बा पी वीट पटेटो या पी बाले, बाले वीट पटाटो ठीक है हम लोगों को इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में बनाना है क्रॉप रोटेशन का विच ऑज द करेक्ट सीक्वेंस आंसर इज सी ठीक है हमें बाले फर्स्ट यूज करेंगे थें पी, थें राइट right? आप लोगों से NDS, CDS, ना एग्रीकल्चर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके एग्जाम लाइक एनडीए सीडीएस देखे नॉक वरीब क्रॉपी क्रॉप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि खरीफ राबी क्रॉप ठीक है उसके बाद आपसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर शिफ्टिंग कल्टिवेशन को इस पर्टिकुलर रीजन में क्या नाम से जाना जाता है ठीक है शिफ्टिंग कल्टिवेशन डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट रीजन इंडिया लेवल पे भी पूछा जाता है और वर्ल्ड लेवल पे भी पूछा जाता है है ठीक उसके बाद फिर आपसे वो प्राइमरी एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ठीक है व्हाट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर जैसे कि फिशरी हो गया ठीक है अलीड एक्टिविटीज एग्रीकल्चर ओके सो दीज आर देशिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर टॉपिक विच इज यूजफुल फॉर योर एनडीए सीरियस एग्जामिनेशन ओके सो मूविंग थ्री मेजर सीरियस इन इंडिया अंडर हाई इल्डिंग वेराइटी इन डिग्लाइनिंग ऑर्डर उसके डिक्लाइनिंग ऑर्डर में बताना है ठीक है क्या होती है ज्यादा वो क्रॉप जिनकी प्रोडक्शन ज्यादा है ठीक है जब हम लोगों को आप लोगों ने सुना था ग्रीन रेवल्यूशन ठीक है एमएस स्वामीनाथन व पर्सन ब्रॉटेस्ट ग्रीन रेवल्यूशन इन इंडिया ग्रीन रेवल्यूशन में हम लोगों ने क्या किया एच वाई वी सीड्स का यूज किया था ठीक है हाई ईल्डिंग वेराइटी सीड्स इससे क्या होता है कि क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ जाती है राइट सो रिमेंबर दिस तो हमें इसका डिक्लाइनिंग ऑर्डर बताना है ऑप्शन से वीट पैडी एंड कोर्स सीरियस वाले वीट एंड कोर्स सीरियस पैडी वीट एंड कोर्स सीरियस और कोर्ट सीरियस पैडी एंड वीट तो आप आंसर क्या है पैडी वीट एंड कोर्स सीरियस ओके रिमेंबर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन से विच आर द पॉलिंग इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर ओके नेचुरल रबर इज अ प्लांटेशन क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है जिनका कमर्शियल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा होता है अब कमर्शियल सिग्निफिकेंस से क्या हम समझे कि कमर्शियल सिग्निफिकेंस मतलब यू अर्न लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्रॉप ठीक है तो जैसे कि आपने सुना होगा जूट राइट कॉटन टी कॉपी रबर आर द प्लांटेशन क्रॉप

प्लांटेशन क्रॉप्स रिमेंबर दिस प्लांटेशन क्रॉप से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो दैट इज इंपॉर्टेंट ओके तो ऑप्शन पे चलते हैं पहला है तमिलनाडु असम केरला या आंध्र प्रदेश तो हमारा आंसर क्या होगा इट इज असम, ठीक है तो प्लांटेशन क्रॉप्स आर बीन ग्रोन इन द स्मॉल हिली रीजन ओके तो वो हिली रीजन्स यहाँ पे देखिए हिमालय अगर आप वेस्ट में देखेंगे ना तो हाइटेड है बट जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ जाते हैं ना तो दे डिक्रीजिंग, दे हाँ डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग हैव अ हाइट ओके अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाओगे इफ यू गो टू पूर्वांचल जिसको हम अरा भी बोलते हैं तो यू विल फाइंड दैट हिमालयस हैव लो हाइट एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालय ठीक है तो वही वाले रीजन में मेजोरिटी प्लांटेशन ऑफ इंडिया बी डन अगर आप लोगों ने कूर्क ना, का नाम सुना हो कूर्क इज इन कर्नाटका ठीक है तो कूर्क में भी आपका कॉफी का प्लांटेशन काफी ज्यादा होता है बिकॉज वहां पे हिल्स हैं ठीक है हिली में प्लांटेशन इज वेरी प्रोमिनेंट सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन इट्स इंपॉर्टेंट इंडिया ने भी पूछा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन से गोल्डन फाइबर रिफर्स टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गोल्डन फाइबर रिफर्स टू लेट्स गो टू द ऑप्शन हेम कॉटन जूट या नायलोन तो हमारा आंसर क्या है जूट ठीक है जूट का अगर आप कलर भी नोटिस करोगे ना तो यू विल फाइंड दैट इट अ ब्राउनी कलर लाइक गोल्डन कलर ठीक है दैट इज व्हाई इट इज नोन एज गोल्डन गोल्डन फाइबर फाइबर ओके और fiber, इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इट हैज अ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इफ यू गो टू द सुंदरबन डेल्टा और डेल्टिक रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश यू विल फाइंड हाई जूट प्रोडक्शन आउट देयर ठीक है अगर हम देखें ना बांग्लादेश की कैपिटल ढाका ढाका में भी काफी ज्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है इनफैक्ट इंटायर बांग्लादेश में जूट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा है अब जूट से वी कैन मेक मेनी थिंग वी कैन मेक रोप ठीक है हम मैट बना सकते हैं डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं तो जूट हैव अ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट इट्स अ प्लांटेशन क्रॉप रिमेंबर इट्स अ प्लांटेशन क्रॉप ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन से इस द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन से क्वेश्चन तो देखते हैं पहले कल्टिवेशन बाय ट्रांसप्लांटेशन कल्टिवेशन ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप चेंज ऑफ कल्टिवेशन साइट या रोटेशन ऑफ क्रॉप ठीक है तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर जिस वजह से इसको किया जाता है इज लाइक टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ठीक है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इफ यू टॉक अबाउट लेग्युमिनट ओके तो वो सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं इन दैट वे दर्टिलिटी ऑफ द सॉइल गेट इंक्रीज ओके सो देशिक पर्पज और इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज बिकॉज ऑफ दिस इट इज डन कल्टिवेशन ऑफ लेग्यूमिन ठीक है अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आदा कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन को वेरियस रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है ठीक है तो हम वो देख लेते हैं फटाक से देखो अगर मैं आपसे बोलू शिफ्टिंग कल्टिवेशन जूम कल्टिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जूम कल्टिवेशन इसको जूमिंग भी बोलते हैं और जूम भी बोलते हैं ठीक है दिस इज कॉल्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको पता है सेवन सिस्टर ओके कहा से पास करेंगे हम सेवन सिस्टर जाने के लिए चिकन नेक एग्जैक्टली exactly, ठीक है नॉर्थ ईस्ट उसके बाद वी हैव बेवार या ठीक है यान इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी विच हैव वन मेडल्स रिप्रेजेंटेड इंडिया इन रेस्टलिंग ओके तो ये वाला जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है मतलब इसका जो नाम है वो बुंदेलखंड रीजन में यूज करा जाता है ठीक है अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो हो रहा है ना दैट इज इन बुंदेलखंड रीजन दो हो गए जुमिंग बेवार या उसके बाद दीपा दीपा इन दी बस्तर रीजन बस्तर कहां पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ ठीक है छत्तीसगढ़ रीजन में ये बस इसको दीपा बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन को ओके और यहाँ पे इन द बस्तर रीजन यू विल फाइंड नक्सलाइड एक्टिविटीज एज वेल ठीक है रेड कॉरिडोर का पार्ट रेड कॉरिडोर क्या होता है वो सारे एरिया यहाँ पे नक्सलिज्म इज ट ठीक है तो दैट इज नोन एज रेड कॉरिडोर रिमेंबर दिस तो ये बस्तर वाला रीजन है रेड कॉरिडोर में आता है उसके बाद आता है जारा जारा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ब्रांड और इर्का ठीक है इसको बोला जाता ये सदर्न स्टेट में बोला जाता है सदन स्टेट्स, ओके उसके बाद पोडू वेरी इंपॉर्टेंट पोडू शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा बोला जाता है आंध्र प्रदेश में ठीक है आंध्र प्रदेश में उसके बाद अगर हम, ये तो हो गया हमारे इंडिया का ठीक है इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेरस नाम से बोला जाता है दैट जुमिंग बेवा धैया पोडू दीपा जरा इर्का ये हमने देख लिया अब वर्ल्ड लेवल पे भी ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम है आप इसको लिख लेना कहीं पे आपके एग्जाम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कि रे इज इन वियतनाम अगर आप वियतनाम जाएंगे और आप बोलोगे मुझे शिफ्टिंग कल्टिवेशन देखना है तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे युगैटन एंड ग्वाटेमाला ठीक है ग्वाटेमाला ओके उसके बाद अगर रोपा रोका ब्राज़ील वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक रे तो सीडीएस डी ने क्वेश्चन पूछा भी है ओके देन चेना चेना इन श्रीलंका श्रीलंका इज सफरिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक क्राइसिस एज वेल एज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हमारा नेबर भी है ठीक है तो इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल बेसिस पे श्रीलंका इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके उसके बाद लडांग लडांग इन जावा एंड इंडोनेशिया ओके वेरी इंपॉर्टेंट राइट रे वियतनाम मिल्पा ग्वाटेमाला यूट रोका ब्राजील चीना श्रीलंका लडाख जावा इंडोनेशिया ओके रिमेंबर दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक्सटेंसिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर इज उन्होंने पूछा ये क्या है ऑप्शन क्या है फार्मिंग ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट थिकी पॉपुलेटेड एरिया नो फार्मिंग इन दी थी पॉपुलेटेड एरिया ये आंसर एक्सटेस्टेंट एग्रीकल्चर ठीक है सब्सिस्टेंट मतलब हमारे यूज के लिए हम कर रहे हैं ठीक है इन दिनली पॉपुलेटेड एरिया उसके बाद फोर्थ ऑप्शन बोलते हैं फार्मिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ इक्विटोरियल रीजन नो आंसर इज सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट टाइप ऑफ फार्मिंग सा हो रहा था एक्सटेंसिवेंट एग्रीकल्चर राइट बट सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछता है कि वट टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिज इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ठीक है देखो ऑप्शन कमर्शियल फार्मिंग एक्सटेंसिव फार्मिंग नो इंटेंसिव फार्मिंग एग्जैक्टली इंटेंसिफाइड मतलब इंटेंसिव क्या होता है किसी भी चीज को अगर मैं बोलूँ इंटेंसिफाइड मतलब काफी ज्यादा ठीक है उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में कौन सी फार्मिंग होगी इंटेंसिव फार्मिंग और लूजली पॉपुलेटेड एरिया या फिर थिनली पॉपुलेटेड एरिया में कौन सी होगी एक्सटेंसिव फार्मिंग ओके वेरी इंपॉर्टेंट प्लांटेशन तो हमने देख ही लिया प्लांटेशन मतलब वो चाय कॉफी जूट रबर ठीक है उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग ऑफ फार्मिंग विदाउट इरिगेशन इन एन एरिया ऑफ लिमिटेड रेनफॉल नो फार्मिंग डन ऑन द सेम लैंड बाय डिफरेंट पीपल वाइज ग्रोइंग सेम क्रॉप इन ऑल्टरनेट या ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन क्वेश्चन पे जाएंगे ना आप और टर्मोलॉजी पे जाएंगे तो समझ जाओगे क्रॉप रोटेशन ठीक है तो मतलब हम एक क्रॉप सो so करेंगे उसके बाद दूसरी क्रॉप करेंगे ठीक है तो रोटेट कर रहे हैं मतलब पहले ये ये वन है ये टू है फिर वन है टू है हो सकता है तीन क्रॉप भी हो तो वन टू थ्री वन टू थ्री ऐसे भी हो सकता है दिस इज वॉट अ क्रॉप रोटेशन है तो आंसर इज ऑप्शन डी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स फार्मिंग रेफर्स टू देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज मत होना रोटेशन में और मिक्स्ड में ठीक है तो मिक्सड फार्मिंग के ऑप्शन क्या है ग्रोइंग टू एट सेम टाइम ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन ये तो हमने देख लिया था क्रॉप रोटेशन था इसको तो हम क्रॉप रोटेशन बोल रहे थे ठीक है तो ये तो हो ही नहीं सकता उसके बाद प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स या ये तो फार्मिंग को ही बोलते हैं फार्मिंग में क्या करते हैं

मिक्स फार्मिंग इज बट क्रॉप रोटेशन में क्या होता है पूरे क्रॉप में फर्स्ट पहले मैं फर्स्ट क्रॉप को सो करूंगी उसके बाद सेकेंड को उसके बाद थर्ड को इफ तीन इफ्टी सो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मिस्टर एक्सपीरियंस इज थ्री क्रॉपिंग सीजन फॉर राइस इन इंडिया ठीक है राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाइट फॉर मेनी ऑफ द पीपल इफ यू गो इन द सदर्न स्टेट इफ यू गो इन द उड़ीसा ओके okay, वहां पे राइस का कंसम्शन इज वेरी हाई एस कंपेयर टू द नदर स्टेट पूछ रहे हैं कि विच रीजन क्रॉपिंग सीजन फॉर राइस इन इंडिया ऑप्शन देखते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा ब्रह्मपुत्र वैली कोस्टल केरला या लिटोरल तमिलनाडु तो आंसर क्या है ब्रह्मपुत्र वैली ठीक है यहां पे तीन क्रॉपिंग सीजन यूज करे जाते हैं फॉर राइस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ आर द खरीफ क्रॉप सो ठीक है खरीफ रबी जायद ये वाले क्रॉप्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑप्शन क्या है अप्रैल जून सितंबर या नवंबर तो हमारा जो खरीफ क्रॉप होता है उसको जून में से सो करा जाता है ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द पॉलिंग इज नॉट अ रबी क्रॉप ऑप्शन वीट मेज मस्टर्ड या ग्रेन हमारा आंसर क्या है मेज ये जो जितने भी राबी और खरीफ क्रॉप है ना दिस यू हैव टू रिमेंबर और यू कैन अंडरस्टैंड एज वेल ठीक है दिस इज योर होमवर्क दैट यू शुड डू द रिमेंबरेंस ऑफ खरीफ एंड राबी क्रॉप विच इज वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम ठीक है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा वो तो आप एलिमिनेट कर पाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप्स ऑफ क्रॉप इज ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द रबी सीजन ठीक है सो बीट बाले ग्राम राइस मेज़ मेज़ बाले राइस, राइस. मिलेट ग्राम सो आंसर क्या होगा बीट बाले राइस ग्राम देखिए एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ राबी और खरीद ठीक है खरीफ क्रॉप तो so, जो राबी है ना रा, एर फॉर राबी आर फॉर राइस पर राबी में राइस नहीं आएगा राइस इधर आएगा खरीब में ठीक है और यहाँ का अपोजिट राइस का जस्ट अपोजिट इज बीट ठीक है जब हम बीट शो करेंगे तो राइस नहीं कर सकते राइस शो करेंगे तो बीट नहीं कर सकते दिस तो इज जस्ट जस अपोजिट से न रहे हो ठीक है अब अगर आपको पता है कि भाई राइस खरीब है ठीक है अब उन्होंने क्या पूछा था मुझसे रबी ठीक है तो मैं राइस को एलिमिनेट कर दूंगी राइस एलिमिनेटेड राइस एलिमिनेटेड राइस एलिमिनेट आंसर रा इज ए वेरी इजी ठीक है आप लोगों को अपनी अपनी टेक्निक्स बनानी पड़ती हैं कुछ रिमेंबर करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ समझ सके ठीक है कुछ टेक्निक्स के कार्य के थ्रू भी यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द क्रॉप इज इन इंडिया मेनली बाय ड्राई फार्मिंग ठीक है ड्राई फार्मिंग नाम से समझ में आ रहा है ठीक है लास्ट लेक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर राइट आर मिलेट टोबैको मेस या ग्राउंड आंसर इज मिलेट ठीक है मिलेट इज अ क्रॉप इज सोन इन द ड्राई फार्मिंग वेरी इंपोर्टेंट देखिए टोबैको है ना टोबैको इट इज आल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप ठीक है टोबैको इज आल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप रिमेंबर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया ऑप्शंस आर कर्नाटक आंध्र प्रदेश असम या बिहार आंसर इज कर्नाटक ओके तो मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज कर्नाटका ठीक है हम लोगों ने मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया भी देखा था दैट इज असम रिमेंबर दिस रबर अगर आएगा तो यू विल मार्क असम, ओके, इफ सिल्क दे आर आस्किंग कर्नाटका ओके वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग विच वन ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया ठीक है पूछा है सीडीएस ने ऑप्शन आर ग्राउंड नट मस्टर्ड रेप सीड या शुगर केन आर आंसर इज शुगर केन अगर आप जाओगे ना यूपी वाले रीजन में यू विल फाइंड शुगर केन की खेती बहुत ज्यादा होती है ठीक है और शुगर केन का यूज क्या है शुगर केन जो शुगर इंडस्ट्रीज होती है ना उसमें इसको सप्लाई करा जाता है ठीक है आपका जागरी शुगर बनाने के लिए ओके तो दिस इज दी

तमिलनाडु, केरला कर्नाटका आंध्र प्रदेश केरला ठीक है कोची कोस्ट पे वॉस्को डी में आया था कैलिकट कैलिकट के कोस्ट पे ठीक है कैलिकट इज इन केरला ओके और वहां से वो क्या लेके गया ब्लैक पेपर ठीक है इंपॉर्टेंट so है ब्लैक पेपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है केरला वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैक पेपर ने तो हमारे इंडिया की हिस्ट्री बदल दी थी ठीक है क्योंकि ब्लैक पेपर का जो था ना एक स्पाइस है ओके और जो ब्लैक पेपर की डिमांड इन यूरोप वाज वेरी हाई बिकॉज इट इंक्रीजेस द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ द फूड ओके सो ब्लैक पेपर की वो काफी डिमांड करते थे तो वो जब डिमांड करेंगे तो वो इंडिया आते थे उन्होंने देखा इंडिया हैव ह्यूज पोटेंशियल टू हैव अ इकोनॉमिक एक्सप्ल्टज ठीक है जब उनको ये समझ आया देन दे केम इन इंडिया एज अ ट्रेडर लेटर दे बिकम द रूलर And have drained the economy of India to an extent. Okay. But recently in the Commonwealth game, we have brought the gold back. Okay, that's not the exact gold what they have taken from us, but to then to some extent, we brought the glory of India back in the back in our nation. Okay. In the Birmingham, in the Commonwealth game 2022, India have shown an स्प्लेडेड परफॉर्मेंस इट इज जस्ट अमेजिंग बर्मिंग जो गेम एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपसे ये पूछ सकता है कि पहला गोल्ड मेडल किसने जीता मीराबाई फिर इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ का आपको नाम दे देंगे ठीक है और पूछ लेंगे कि ये पर्टिकुलर किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं जैसे कि अगर मैंने बोला जोश ना इज एसोसिएटेड विद है तो ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट जाते हैं उसके बाद मैस्कट पूछ सकते हैं लोकेशन पूछ सकते हैं ठीक है हमारी ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बियर कौन था ठीक है तो आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री हैव टॉप द मेडल टैली टेल मी इट इज ऑस्ट्रेलिया ठीक है ऑस्ट्रेलिया हैव टॉप द मेडल टैली ओके इन द कॉमनवेल्थ गेम ट्वेंटी ट्वेंटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वेयर इज वर्ल्ड फिशिंग वो डेवलप्ड इन इंडिया पर्ल फिशिंग तो ऑप्शन क्या है ऑफ द बंगाल कोस्ट ऑफ द केरला कोस्ट ऑफ द कोस्ट एट रामेश्वरम या नोवे इट इज ऑफ केरला कोस्ट ठीक है अगर आप लोगों को पीटी सॉइल याद है ना पीटी सॉइल पीटी सॉइल केरला में ज्यादा मिलती थी पीटी सॉइल से ही वी कैन वी आर डूइंग पर्ल फिशिंग ठीक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट

साफर जम्मू कश्मीर मिलता है अगर आप करेवास अगर आप लोगों ने सुना हो ना करेवास आर दी रीजन ऑफ हिमालया यहाँ पे जैफरॉन साफरॉन उसकी लोकल वेराइटी इन जम्मू कश्मीर जैपरान ठीक है इसका प्रोडक्शन किया जाता है राइट द करेवास करेवास भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम से ठीक है उसके बाद थर्ड ऑप्शन है जिंजर सिक्किम केरला अभी तो देखा था नेचुरल रबर केरला में मिल रहा था ठीक है तो आंसर सी जिंजर सिक्किम में नहीं मिलता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द होम ऑफ अल्फॉन्सो मैंगो ठीक है मैंगो इज अ फेवरेट फ्रूट ऑफ मेनी पीपल राइट इसको हम फलों का राजा भी बोलते हैं इट इज नेशनल फ्रूट एज वेल ठीक है अल्पॉन्सो मैंगो का होम क्या है मतलब कहां पे इसका प्रोडक्शन होता है ऑप्शन रत्नागिरी बनारस मालदा विजयवाड़ा आंसर इज रत्नागिरी बेसिक अगर आप लोगों ने तारक मेहता गोल्टर चश्मा भी देखा होगा ना यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन रत्नागिरी यू विल फाइंड हापुस आम ठीक so, ना है सुनाए आम हापुस आम ठीक है देर आर वेरी वेरियस वेराइटीज ऑफ आम तो वन वेराइटी इज अल्फोन्सो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टेट नॉट कल्टीवेट बीट ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर्नाटका करता है महाराष्ट्र करता है वेस्ट बंगाल करता है ऑप्शन इज आंसर इज तमिलनाडु तमिलनाडु डू नॉट प्रोड्यूस बीट ठीक है रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट तमिलनाडु डू नॉट प्रोड्यूस बीट नेक्स्ट क्वेश्चन द

क्स्ट क्वेश्चन इंडिया ड्यूरिंग दिकेड दल्टीवेशन लैंड इंपॉर्टेंट है ऑप्शन या शुगर केन आंसर इज पल्सिस बड़ा है ऑब्वियसली शुगर केन का भी हमने देखा था ठीक है यूपी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा था सबसे ज्यादा एरिया भी वो चार क्रॉप में शुगर केन ने एक्वायर किया था इट इज इंक्रीजिंग ऑयल सीड्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग बट पल्स इज लाइक लेस और स्टैगनेंट ठीक है स्टैगनेंट मतलब क्या होता है स्टेबल हम बोलते हैं ना स्टैगनेंट वाटर कभी कभी बोला जाता है कि स्टैगनेंट वाटर ठीक है स्टैगनेंट वाटर क्या होता है रुका हुआ पानी ठीक है विच इज स्टेबल दैट इज द प्रोडक्शन इन इंडिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन द इगेटेड एरिया ड्यूरिंग तीन टाइप के सीजन होते हैं खरीफ राबी एंड जैद ठीक है अब उन्होंने जैद के बारे में पूछा है तो ऑप्शन क्या है अरहर एंड ग्राम मूंग एंड उर राइस एंड मिलेट या मेज एंड ग्राउंड ना होना चाहिए इट इज मूंग एंड उठी इसको इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द पोलिंग क्रॉफ्ट उत्तर प्रदेश इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है एलिमिनेट करते हैं पोटैटो इज अटैपल फूड ऑफ इंडिया ठीक है इट इज नोन स्टैपल फूड ऑफ इंडिया मतलब पोटैटो हर सबसे ज्यादा अगर हम कोई सा वेजिटेबल यूज करते हैं ना दैट इज पोटैटो ठीक है न, शुगर केन तो अभी देखा था शुगर केन तो यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बीट ऑल्सो बीट अगर आप लोगों ने पढ़ाओ तो बीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूपी सेकेंड इज एम पी पर, पर कैपिटा मतलब पर एरिया वाला बेसिस पे देखें ना दैट इज पंजाब ओके तो हमारा क्या ऑप्शन बचा दैट इज राइस राइस मैंने बताया राइस नीड थोड़ा सा वॉटरी एरिया ओके स्वाम्पी लैंड दैट इज वॉट नॉट अवेलेबल इन यूपी तो यूपी इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आपके लिए क्वेश्चन है कि विच इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया राइस बाउल ऑफ इंडिया इट इज कटक ठीक है इट इज इन उड़ीसा ओके इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन से इज वन अमंग द फॉलोइंग नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप पहले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था प्लांटेशन क्रॉप के बारे में राइट right? कॉफी है शुगर केन है वीट है पर रबर इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप ठीक है रिमेंबर दिस सॉरी दिस इज रॉन्ग आंसर देखो कॉफी तो हमारा होता है शुगर केन भी होता है रबर भी होता है बट आंसर इज सी बीट बीट आपका प्लांटेशन क्रॉप थोड़ी ना बीट तो आपका कमर्शियल क्रॉप है ठीक तो, okay? है तो यू कैन करेक्ट दिस दिस इज नॉट बी इट इज सी ओके ये सी है काट देना चले आगे इसलिए कहते हैं कभी कि किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अब यह आंसर गलत लिखा हुआ सो जस्ट यूज योर माइंड ठीक है लोग चीटिंग भी करते हैं ना तो डू चीटिंग विथ योर ब्रेन ओके

उसके बाद सॉइल इज मोस्ट सुटेड फॉर टी प्लांटेशन जल्दी कवर कर, कर लिया है, है? तो है? अल्कलाइन नहीं है एलुवियल नहीं है रघूर नहीं रघूर में तो कॉटन प्रोड्यूस कर रहे थे ठीक है एल्युवियल में वी प्लांटिंग दी शुगर केन हो गया बीट हो गया ठीक है बीट हो गया राइट तो आंसर इज एसिडिक नेक्स्ट क्वेश्चन

तो वो किधर मिलेगी आपको महाराष्ट्र में और आपको गुजरात में भी काफी ब्लैक सॉइल मिल जाएगी विच इज सुटेबल फॉर विच प्रोडक्शन कॉटन प्रोडक्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट है लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स अभी मैंने बताया शुगर शुगर के इनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूपी तो सबसे ज्यादा मिल्स भी कहां मिलेंगी यूपी में क्योंकि देखो सपोज दिस इज योर मिल ठीक okay? दिस इज मिल मिल ओके फैक्ट्री उसके बाद दिस इज फार्म ठीक है यहाँ पे आपने काफी सारे शुगर केन प्रोड्यूस कर लिया ठीक है अगर आपको शुगर केन यू विल नॉट यूज शुगर केन एज अ रॉ ठीक है तो उसका आपको कन्वर्शन करवाना पड़ेगा तो आप कहां भेजेंगे इन द फैक्ट्री ओके अगर ये फार्मिंग या ये फार्म इज वेरी नियर टू द मिल तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा ठीक है तो दैट इज वाई यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स इन इंडिया इज इन यूपी राइट अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्योंकि हमें हमारी कॉस्टिंग कम करनी होती है राइट right? कॉस्टिंग करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा राइट इसी वजह से हम लोग जो मिल्स होती हैं उनको पाम्स के काफी पास ही रखते हैं

ठीक है अगर आप आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी हिल्स जाओगे ना वहां पे आपको टोबैको का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर दिस आंध्र प्रदेश एंड गुजरात नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट दिस इज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन डीजल लोकोमोटिव्स क्या होते हैं इंजिंस ठीक है अब ये डीजल के लोकोमोटिव्स जो होते हैं वो कहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं ऑप्शंस आर कपूरथला पैरमबूर वाराणसी या जमशेदपुर आंसर इस वाराणसी वाराणसी किधर है यूपी में ठीक है वाराणसी में एक रिसेंटली बहुत बड़ा अपडेट हुआ है दैट इज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ठीक है इसका अभी ओपनिंग करी गई है आप लोगों ने ज्ञान व्यापी मॉस्क का नाम सुना होगा ज्ञानवापी मॉस्क जो है दैट इज ऑल्सो इन वाराणसी इसी कॉरिडोर इसी जो प्रांगण है इसी के अंदर वो ज्ञानवापी मॉस्क सिचुएटेड है ओके okay? इंपॉर्टेंट काशी को बोला जाता है इट इज ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया ओके इसका एग्जिस्टेंस नो वन नो इट इज अ वेरी हिस्टोरिकल सिटी ओके इन एवरी एस्पेक्ट इफ यू गो टू एज वेल यू विल फाइंड बेर घाट जैसे कि मनी मनीकर्णिका घाट हो गया हरीश्चंद घाट हो गया एंड दे आर लाइक वेरी ओल्ड ओके इज हिस्टोरिकल स्टोरिकल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले विच नोन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैरगेट कोस्टर्स ड्रेजर्स ठीक है तो दिस इज अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम ए ओके तो आप लोगों को नेवी और कोस्टल एरिया के आसपास की चीजें और वहां पे प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए राइट देखिए ऑप्शन क्या क्या है हिंदु, हिंदुस्तान शिप यार्ड ओके okay? मजगांव शिपयार्ड गार्डन रीच शिप यार्ड या कोच इन शिप यार्ड और आंसर इज गार्डन रीच शिपयार्ड ओके वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इज परक्का बराज वॉज कमीशन टू पता है आप लोगों परक्का बराज किधर है अभी जो रिसेंटली सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था उन्होंने पूछा था कि जो परक्का बराज है ठीक है दैट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ बोट तो क्या होगा जल्दी बताइए इट इज ऑन द रिवर ऑफ गंगा या फिर अगर बहुत स्पेसिफिक आंसर दें दैट इज हुगली पता है आप लोगों को हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा ठीक है दो तरह की चीजें होती हैं दिस इज अ रिवर मेन स्ट्रीम रिवर कुछ आके मिल जाएंगी हम आपके साथ हैं ठीक है बट कुछ बोलते हैं कि नहीं वी आर लाइक सेपरेटेड फ्रॉम यू हम वापस चले गए आपको छोड़ के तो so, जो आपके साथ है दे आर ट्रिब्यूटरी दे आर द ट्राइब्स ठीक है दे आर लिविंग टुगेदर बट हु आर आर नॉट लिविंग टुगेदर दे दे डिस्ट्रीब्यूटरीज हैव डिस्ट्रीब्यूटेड तो डिस्ट्रीब्यूटरी इज हुगली ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि फरक्का बराज कमीशन टू ऑप्शन सेव कोलकाता पोर्ट लिंक नॉर्थ एंड साउथ बंगाल सप्लाईड ड्रिंकिंग वॉटर टू कोलकाता या फिर डायवर्ट वॉटर टू बांग्लादेश हमारा आंसर क्या है कोलकाता पोर्ट को सेव करने के लिए हम लोगों ने परक्का बराज को बनाया एंड दट इज इन वेस्ट बेंगाल ऑन द रिवर बैंक ऑफ हुगली वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा नागपुर प्लेटियो इज कॉर्ड द हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया बिकॉज छोटा नागपुर प्लेटियो जानते हैं आप लोग झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा इस वाले बेल्ट में जब जा मैं आई विल फाइंड छोटा नागपुर प्लाट्यू ठीक है एक होता है प्लाट्यू ठीक है दीज आर ऑफ यू विल फाइंड इन इंडिया दिस इज डेकन दिस इज मालवा दिस इज छोटा नागपुर ठीक है तो उन्होंने पूछा है इसको हार्टलैंड ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया क्यों बोला जाता है ऑप्शन आर नियर टू मेजर आयरन एंड स्टील सेंटर्स

मैं इस फार्म का जो मुझे प्रोड्यूस चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए वेरी नियर है मेरे मिल के तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा मेरा पैकेजिंग कॉस्ट कॉस्ट कम कम हो जाएगा, कम हो जाएगा जाएगा मेरा लेबर दैट इज हाउ आई एम डूइंग प्रॉफिटाइजेशन इन माय ठीक है अब आप सब सोच के देखो यार यहाँ पे ना मिनरल्स और पावर फ्यूज काफी मिल रहे हैं ठीक है अगर मैं इनके पास में ही कोई मिल बना देती हूँ ठीक है या फिर कोई इंडस्ट्री सेटअप कर देती हूँ तो मेरा क्या होगा मेरा मेरा एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा ठीक है मुझे पावर सप्लाई अच्छे से मिल जाएगा मुझे गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडीज मिल जाएंगी और वहां के पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट भी हो जाएगा दैट इज नॉट माई एम बट इनडायरेक्टली इट वुड बी हैपनिंग ठीक है रिमेंबर दिस यू विल फाइंड बेरिस्ट रिच मिनरल्स एंड पावर फ्यूज इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ठीक है अगर मैं आपसे पूछूँ ना रूर ऑफ इंडिया किस वैली को बोलते हैं रूर ऑफ इंडिया रूर मतलब रूर एक प्लेस है जर्मनी में जिसके जो अपने कोल रिजर्व के लिए काफी जानी जाती है, है? तो ठीक है तो दामोदर वैली ठीक है दामोदर वैली आपको छोटा नागपुर प्लाट्यू के आसपास ही मिलेगी ओवर इट ओनली ठीक है दैट इज नोन एज रूर ऑफ इंडिया ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द कॉलिंग द ओल्डेस्ट एटोमिक पावर स्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन कालपक्कम तारापुर नरोरा या कोटा हमारा ऑप्शन क्या है हमारा आंसर क्या है तारापुर ठीक है रिमेंबर दिस तारापुर इज द ओल्डेस्ट अटोमिक पावर स्टेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल आपको पता है कोल की काफी सारी वेराइटीज होती हैं एंथ्राइड दिस इज द हाइएस्ट और वी कैन से टॉप क्वालिटी ऑफ कोल ठीक है फिर बिटुमिनस लिग्नाइट then पीट then ठीक है तो उन्होंने पूछा कि प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल बताना है महाराष्ट्र गुजरात मध्यप्रदेश या तमिलनाडु आंसर इस तमिलनाडु पता है आप लोगों को लिग्नाइट जो होता है ना लिग्नाइट कोल वो आपको प्लेस ऑफ डिपोजिट में मिल जाता है प्लेस ऑफ डिपोजिट मतलब सॉइल ऐसी सौयल रेतीली सॉइल टाइप की है ठीक है तो वहां पे आपको लिग्नाइट कोल का प्रोड्यूसर मिल जाएगा दैट इज तमिलनाडु ओके वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड स्टिल प्रोड्यूसिंग ऑयल ठीक है हमारे इंडिया में काफी सारी ऑयल फील्ड्स हैं ठीक है हमारे इंडिया की फील्ड्स तो काफी हैं बट हमारा पोटेंशियल भी हाई है बट वी आर नॉट मीटिंग आवर पोटेंशियल ठीक है वी आर

तपोवन एंड विष्णुगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड या राजस्थान ठीक है हमारा आंसर क्या है उत्तराखंड आप लोगों को पता है उत्तराखंड में बहुत सारे माउंटेन्स हैं ठीक है हिमालयन माउंटेन्स हैं वहां पे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं ठीक है तो तपोवन विष्णुगर ठीक है विष्णु जी के लिए तप करते हैं इन उत्तराखंड ओके इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर इज द ओमेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड वेरी इंपॉर्टेंट ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बात बता दूमेश्वर के बारे में कि यहां पे लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट का इनोग्रेशन करा गया है ठीक है क्या किया गया है लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट ठीक है फ्लोट करेगा वो तो ये कहां पे सिचुएटेड है कौन से रिवर बैंक पे चलो ऑप्शन देखते हैं चंबल नर्मदा तापी या भीमा इट इट इज इज इन ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा ठीक है नर्मदा रिवर कहां से ओरिजिनेट करती है अमरकंटक प्लाटियों से ठीक है इट इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ प्रदेश ठीक है ये गुजरात भी जाती है और गुजरात के बाद गल्फ ऑफ खंबाद में जाने के बाद इट गो इन टू दी वे अरेबियन सी ठीक है रिमेंबर नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर ऑप्शन गोदावरी श्रावस्ती कावेरी या कृष्णा इट इज ऑन श्रवस्ती रिवर महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगर हम श्रवस्ती रिवर की बात करें कर्नाटका यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल भी मिलेगा इज जॉग या गिरुसपा ठीक है वहीं पे सिचुएटेड है महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ निकलो रिसोर्सेस निकलोर रिसोर्सेस बताना ठीक है ऑप्शन छत्तीसगढ़ झारखंड कर्नाटका या उड़ीसा आंसर इज उड़ीसा ठीक है सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे निकलोर के रिजर्व मिल जाएंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिंग डिस्ट्रिक्ट लार्ज रिजर्व ऑफ डायमंडल बीन डिस्कवर्ड इन द रिस पास ऑप्शन होशंगाबाद इट इज एम पी रायपुर छत्तीसगढ़ बरंगल तेलंगाना या संबलपुर आंसर इज रायपुर ठीक है यहां पे आपको लार्ज रिजर्व ऑफ डायमंड डायमंडम्बल लाइट बीन डिस्कवर ठीक है अगर हम पूछे ना किम्बल ले किम्बल इज वेरी फेमस फॉर इट प्रोडक्शन एंड इट इज इन वे साउथ अफ्रीका वेरी गुड साउथ अफ्रीका में है ठीक है और आप लोगों ने सुना पे होगा किम्बले की बॉटल्स भी आती है पानी की बॉटल्स भी आते हैं ठीक है आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द सिस्टम ऑफ रॉक इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट विंदेन सिस्टम विंदेन रॉक्स हमें किधर मिलेंगी कहा मिलेंगे सो दिस इज स्टोन एंड बिल्डिंग मटेरियल आयन ओर एंड मैगनीस बॉक्साइड एंड माइका या कॉपर एंड यूरानियम इट इज द प्रेस स्टोन एंड बिल्डिंग मटेरियल ठीक है इफ यू गो इन टू द रीजन लाइक रीवा पन्ना पन्ना में क्या मिलेगा आपको डायमंड मिल जाएगा दैट इज प्रीशियस और अगर आप रीवा पन्ना साइड जाओगे यू विल सीमेंट फैक्ट्रीज एज वेल ठीक है सीमेंट के लिए बिल्डिंग मटेरियल आपको वहां मिल जाएगा चूना मिल जाएगा आपको ठीक है दैट इज सिस्टम यू विल फाइंड फ्रेशियस स्टोन एंड बिल्डिंग मटेरियल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोल माइंड इन झारखंड आर लोकेटेड इन देखा था ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट था ठीक है यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू पे क्या था मिनरल रिच रिसोज मिल रहे थे ठीक है और पावर फ्यूल्स भी मिल रहे थे तो पावर फ्यूल क्या कोल इज अ पावर फ्यूल तो इट इज लोकेटेड एट झारखंड इज लोकेटेड एट झारिया जमशेदपुर रांची या लोहारडगा आंसर इज झारिया झारिया कोल माइन्स यू विल फाइंड इन झारखंड झार से झारखंड झार से झारिया इट्स अ कोल माइन्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ दराज सप्लाई वाटर टू द इंदिरा गांधी कनाल मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था इंदिरा गांधी कनाल इट इज इन राजस्थान राजस्थान की काफी सारा वाटर सप्लाई करती है ठीक है तो बराज सप्लाई वाटर टू द इंदिरा गांधी कौन सा बराज सप्लाई करता है ऑप्शन आप भाकरा हरिका नरोरा या पांडो आंसर इज हरिका बराज ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट हरिका बराज मतलब हरी इज द पर्सन सेव राजस्थान ठीक है हरी इज अ गॉड राइट So, तो हरिका बराज इज सप्लीमेंटिंग वॉटर टू द इंदिरा गांधी कनाल नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी पर्पसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द फराक्का बराजेस अभी देखा था थोड़ी देर पहले फराक्का बराज ठीक है तो फराक्का बराज का प्राइमरी पर्पस क्या क्या है प्रिजर्व एंड मेंटेन नेविगेशन सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर नो मीट द क्रोनिक पावर शॉर्टेज नो ज इन टू इरीगेशन नो आर आंसर इज प्रवेशन एंड में देखा था टू प्रोटेक्ट द कोलकाता पोर्ट ठीक है तो कोलकाता पोर्ट से क्या होता है वहां से होता है. ठीक है तो so हम इसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बराज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन राना प्रताप सागर प्लांट इन राजस्थान इज एसोसिएटेड विथ आपको पता ना इट इज प्रोड्यूसिंग वॉटर ठीक है ऑप्शन इज एनर्जी सोलार एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या इरिगेशन आंसर इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी राणा प्रताप सागर प्लांट राजस्थान में रिवर बैंक चंबल ठीक है चंबल में एक और है इट इज इन मंदसौर गांधी सागर ठीक है गांधी सागर काज इन मंदसौर इट इज ऑल्सो ऑन दी रिवर बैंक ऑफ चंबल ठीक है चंबल कहां से ओरिजिनेट करती है जाना पाव हिल्स ऑफ महू ठीक है जाना पाव से ओरिजिनेट करती है एंड चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ वॉट चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ठीक है एंड गंगा इज मेड अप ऑफ वॉट गंगा इज मेड अप ऑफ टू रिवर स्ट्रीम दैट इज अलकनंदा एंड भागीरथी ठीक है सो दिस इज द कंप्लीशन Of our 50 questions related to agriculture okay hydroelectric power plants and various resources okay so this is the end of the session thank you